हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम हो गया है, हमारे औलाद लोग चले गए हैं स्कूल, लंच तैयार हो गया है। तो लंच में क्या तैयार हुआ है वो भी मैं आप लोग को बता दूँ। मॉर्निंग में मेरा फेस क्लीन लग रहा है और ये नाइट होते होते बिल्कुल ऐसे लगेगा कि इस पर कालिक पुत आ गया, इतना काला हो जाता है। तो लंच में मैं बनाई हूँ टमाटर की चटनी एंड रोटी। अभी मैं बनाऊंगी भिंडी, और टाइम भी हो गया, 7:30 हो गया, हमें पता हो 9 बजे निकलना होता है, निकलना नहीं पहुंचने का टाइम है 9 बजे, बट मैं हूँ कि थोड़ा सा 15-20 मिनट लेट ही पहुंच जाती हूँ, क्योंकि टमाटर की चटनी हमारे दोनों बच्चे को बहुत पसंद है, बहुत मन से खाते हैं दोनों। तो मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी भी होता है, तो मैं बना दी टमाटर की चटनी एंड रोटी। अभी मुझे बनाना है भिंडी की सब्जी, भुजिया जो हमारे के यहाँ बोला जाता है। यहाँ पे पहले मैं ली हूँ चाय, तो पहले सोच रही हूँ चाय पी लूँ और उसके बाद काम में लगूँगी। बहुत सारा काम हो जाता है यार, देख ही सकते हैं आप लोग। प्रेस की है, वैसे छोड़ दी है, सारे टी शर्ट खोला है यूँ फेंक दिया है, चादर ओढ़ी है यूँ फेंक दी है, इधर भी, इधर तो थोड़ा सही है, काम चलाओ सही है, इसे थोड़ा सा सही करना है। बहुत काम हो जाता है, रोज़ रोज़ काम इतना हो जाता है, थक जाती हूँ। आप लोग कहते पाओ सिर्फ तुम ही एक ड्यूटी नहीं कर रही हो। अरे मैं ही एक ड्यूटी नहीं कर रही हूँ, बहुत लेडीज वर्किंग है। पर पता है क्या होता है, जैसे हस्बैंड होते हैं ना तो हाथ बटा देते हैं, फ़र्क ये पड़ता है। अब मुझे एकदम से ना A to Z जो कहा जाता है, A to Z मुझे खुद ही करना होता है, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी 2 लेडीज़ मैरिड हैं, बाकी तो अनमैरिड ही लड़कियां लोग हैं सारी, बट 2 लेडीज़ मैरिड हैं, तो वो भी आती हैं। तो किसी की सास हैं तो वो हाथ बटा लेती हैं, किसी का हस्बैंड है तो वो हाथ बटा लेता है, ये चीज़ होता है। आप लोगों को भी पीना है चाय, आ जाओ पी लो। तो चलिए मैं पहले चाय पी लेती हूँ एंड अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलूंगी। ओके गाइज, तो गाइज जी नेक्स्ट डे इवनिंग का टाइम है, इवनिंग हो गया है और मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, फेस वॉश की हूँ और लेटी हुई थी। और हम अपनी एक मैम से बात कर रही थी, क्योंकि हमारी माँ है एक, लेकिन हमारे लिए वो माँ है, तो उनसे बात कर रही थी। कुछ भी होता है तो उनसे शेयर करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी को भी मानती हूँ तो अपना दिल से मानती हूँ, नहीं मानती हूँ तो मुझे दिखावा नहीं करने आता है। जिससे निभाना होता है दिल से निभाती हूँ, नहीं निभाना होता है तो फिर मैं दिखावा, बिल्कुल हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मैं दिखावा कर सकती हूँ। तो अभी ऑफिस आई थी, जॉब के लिए ही बात चल रहा था, जैसे अभी तो मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ कर ही रही हूँ, बट साथ के साथ जो है हमारा ये भी प्लान है कि पास में अगर कहीं मिल जाता है तो मैं पास में देख लूँगी। तो इन्हीं का मैसेज आया था, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके रहती है मेरे लिए, अभी कह रही थी कि अगर मैं पास में रहती तो जैसे तू ऑफिस आई थी मैं तेरे लिए पानी लेकर आती। अरे मेरा बच्चा, इतना भी कुछ बोल दे बहुत अच्छा लगता है ना, एक माँ की तरह फीलिंग आता है। हैं भी हमसे बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं तो, बट सैलरी बहुत कम है, नहीं कर पाऊँगी। टाइमिंग सेम है, जो मैं जहाँ भी जा रही हूँ इसका टाइम उसका टाइम सेम टाइम है, बट सैलरी इशू है। जब मेरा घर खर्च ही नहीं चलेगा और पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगी, बाहर भी निकलूँगी जॉब भी करूँगी और नहीं हो पाएगा तो क्या ही फ़ायदा है ना, तो इसलिए। और बोली हैं एक जगह और बात करने के लिए, तो बात करके बताएंगी। तो आप लोग कैसे हैं गाइज? मेरा ब्लॉगिंग आजकल कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मॉर्निंग में 9 बजे निकलती हूँ, ऐसे 9 बजे इंट्री है, पहले तो 10 बजे का टाइमिंग दिया था बट अभी 9 बजे कर दिया है, 9 से 5 कर दिया है, पहले 10 से 5 था अब 9 से 5 कर दिया है, बट मैं 9 बजे नहीं पहुँच पाती हूँ। 9 बजे घर से निकलती हूँ, 9:15-9:20 हो जाता है मेरा ऑफिस पहुँचते, बट क्या ही करूँ, मुझे सारा काम करना होता है। मॉर्निंग में बच्चे स्कूल भेजने होते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है मुझे, तो खैर कोई बात नहीं, लोग समझते हैं, इतना तो समझदार हैं ही लोग धरती पे, कुछ कुछ लोग है ना।
और कल है गाइज हरियाली तीज, जो कि अपने हस्बैंड के आयु बढ़ाने के लिए किया जाता है। और मैं भी करती थी एक टाइम पे, बट क्या ही फ़ायदा है ना, कुछ लोग इस पे भी मजाक बना के चले जाएंगे जो कि फिर मुझे बाद में चुभती है। और अभी आप लोग कमेंट देख ही रहे होंगे कमेंट किस तरीके से आता है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरा खर्च ही कोई उठा के नहीं रखा है कि मैं उस चीज़ के टेंशन में जीऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है। हमारा बच्चा है, मैं हूँ, मेरा गृहस्थी है, उसे ही संभाल लूँ वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ ये सब मैटर पे, और बस यही भगवान से दुआ करती हूँ दोनों बच्चा इतना पढ़ लिख जाए कि अपना जो है रोजी रोजगार पेट पाल ले। और बाकी मेरा लाइफ क्या है, मेरा लाइफ बच्चा तक है, जैसे बड़े होंगे शादी होंगे उसके बाद तो जो होगा सो आप लोग को पता ही चलेगा, है ना। बस बड़े हो जाएं दोनों अच्छे तरीके से, पढ़ लिख लें, भगवान से दुआ करती हूँ। बाकी तो मेरे लाइफ में जो किए सो किए ही, और बच्चे के लाइफ अच्छा बनाइए यही कहूँगी। और कौन कौन हमारे सब्सक्राइबर में से हरियाली तीज करते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, हमें भी बहुत खुशी होती थी। और शॉपिंग वॉकिंग बड़ा अच्छे से करती थी, हस्बैंड से झगड़ा कर कर के आपके लिए कर रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ, बहुत कुछ मेरे लाइफ से छिना गया यार। दस दिन पहले से ही साड़ी दिलवो, मैं इतना साड़ी सस्ता नहीं लूँगी, जब भी लेना तो 5,000-6,000 इस तरीके से साड़ी लेना, बहुत कुछ था यार। बट कोई बात नहीं, क्या करूँगा, ये है ना मेरे किस्मत में नहीं था जो चीज़ वो अब नहीं है, जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वही होता है। तो चलिए, मैं तो ब्लॉग एंड करने के लिए आई थी, हमारा बात तो कभी भी नहीं, अगर मैं बात करने लगूँ तो मेरा बात कभी नहीं ख़त्म होगा, और मैं ब्लॉग एंड करने आई थी। तो चलिए इस ब्लॉग को ही पेंट करती हूँ, सिर में दर्द हो रहा है, और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, अच्छा अच्छा कमेंट किया कीजिए, किसी को निगेटिव कमेंट करके दिल तोड़ना ही अच्छी बात नहीं है। देखिए आपके घर में भी माँ बहन है, मैं भी, सिचुएशन ख़राब हो गया है यार, मैं गलत नहीं हूँ और अपने आप से सफाई नहीं दूँगी, बट मेरा आत्मा जो कहता है मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। अब आगे जिसको जो समझना है समझिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और समय ख़राब होता है तो सब इंसान ख़राब ही समझता है। और बाकी चलिए गाइस, फाइनली बाय बाय।